अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ वेज हाक्का नूडल्स बनाने की रेसिपी। एकदम ही स्ट्रीट स्टाइल बनाएंगे। सबसे पहले नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स जो है सबसे पहला मिले। चलिए अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने नूडल्स ले लिया है 3 पैकेट्स, उसको हमने बीच में से तोड़कर रख लिया है और पानी मैंने पहले से बॉईल होने के लिए रख दिया था नूडल्स बॉईल करने के लिए। ये तकरीबन 8 ग्लास पानी है। अच्छी तरीके से पानी में बॉईल आ गया है तो अब मैं उसमें नमक ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। फिर ऑयल ऐड करना है, कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून। उबलते हुए पानी में हम नूडल्स शामिल कर रहे हैं और अच्छी तरीके से उसको पका लेना है। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, हमें सिर्फ 75% तक ही उसको पकाना है, 100% नहीं पकाना है वरना नूडल्स जो है बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं। अब नूडल्स एकदम रेडी है, इसको हमने छान लिया है स्ट्रेनर से और उसमें ठंडा पानी डालकर अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है ताकि नूडल्स जो है एकदम नॉन स्टिकी बने। अब इसको साइड में रख लेते हैं और एक बड़ी कढ़ाई लेनी है, उसमें 6 बड़े चम्मच जो है तेल मैंने गरम किया है। फिर 1 बड़ी प्याज को स्लाइस करके रखा था वो ऐड कर लेना है और 2 कप्स जो है यहाँ पर मैंने गोभी, पत्ता गोभी काट कर रखी थी वो भी ऐड कर लिया है और 1 कप जो है शिमला मिर्ची ऐड की है मैंने स्लाइस करके रखी हुई। अब सारी वेजेस को हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। फिर रेड चिली सॉस ऐड किया है मैंने 4 टेबलस्पून, ग्रीन चिली सॉस ऐड किया है 2 टेबलस्पून और डार्क सोया सॉस लेना है 2 टेबलस्पून और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को मैंने हाई रखा है। अब बॉइल नूडल्स हम ऐड कर रहे हैं। फिर चाइनीज नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून और वाइट पेपर पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। फिर चाइनीज हाक्का नूडल मसाला लेना है 4 टेबलस्पून। फिर 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप लेना है वो भी ऐड कर लेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करना है नूडल्स वेजेस और मसालों को। अच्छे से सॉटे करेंगे बस 2 मिनट के लिए, ज़्यादा ओवर कुकिंग नहीं करना है। अच्छे से सब मिक्स हो जाए उसके बाद में हमें हरा प्याज ऐड करना है एंड में। गैस की फ्लेम को ऑफ कर लिया है मैंने और 2 कप हरा प्याज को अच्छे से वॉश करके बारीक चॉप करके रखा है वो ऐड कर लेना है और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हमारा हाक्का नूडल्स एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। अब इसके साथ में शेजवान चटनी भी सर्व कर सकते हैं लेकिन ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको जो है रेसिपी कैसी लगी। थोड़ा सा हरा प्याज से उसको गार्निश कर लेना है। वीडियो अगर यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो है सबसे पहला मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।